बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गांव में लोगों का ठंड से बुरा हाल था। इतनी कड़कती ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से लोग काम पर जा पाते और बच्चों का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। एक दिन की बात है, जब चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चिंटू तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाता क्योंकि ठंड की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है। चिंटू बेचारा ठंड से कांप रहा होता है और इतने कंबल डालने पर भी उसका कपकपाना बंद नहीं हो रहा होता। लक्ष्मी परेशान होकर सोच ही रही होती है कि इतने में बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज आती है। कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाला आ गया। इतने दिन से घर में एक कबाड़ पड़ा है, इसको दे देती हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे। बस फिर लक्ष्मी घर में पड़े कबाड़ को ले जाकर कबाड़ी वाले को देने लगती है कि तभी उसकी नजर एक हीटर पर जाती है। हीटर बिल्कुल नया होता है। अरे ये तो एकदम नया हीटर लग रहा है, तुमको ये किसने कबाड़ में दे दिया? अरे बस ऐसा ही है बहन जी, कभी कभी बढ़िया सामान भी मिल जाता है। आपको ये खरीदना है तो बताओ, बस 200 रुपए में दे दूंगा। 200 रुपए? नहीं नहीं, 100 में देना है तो दो। जैसे तैसे करके लक्ष्मी उस हीटर को बस 100 रुपए में ही खरीद लेती है। वो जल्दी से प्लग लगाकर हीटर को चिंटू के पास रख देती है। हीटर के जलते ही उसमें से अजीब सी आवाज आती है। अरे ये अजीब सी कैसी आवाज आ रही है इस हीटर से? अरे माँ, ये पुराना है ना, तो शायद इसमें कोई खराबी हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, आवाज से हमें क्या करना, हमें तो बस इससे गर्माहट मिलती रहे वही काफी है। उस हीटर से इतनी गर्माहट आती है कि पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। चिंटू भी उस गर्माहट में एकदम मजे से सो जाता है। रात को जब महेश आता है तो लक्ष्मी उसे हीटर दिखाती है, महेश भी खुश हो जाता है। फिर तो सब लोग मजे से हीटर के पास बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को काफी गर्मी हो जाती है इसलिए वो हीटर को बंद करके सोते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब हीटर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर चिंटू की आंख खुल जाती है। वो देखता है हीटर चालू पड़ा है। अरे ये हीटर तो माने बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया, और ये इसमें से इतनी अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? चलो कोई नहीं, मैं ही इसे अभी बंद कर देता हूँ। चिंटू उठकर हीटर के पास जाता ही है कि उसे उसमें दो आंखें दिखाई देती हैं। आंखें एकदम लाल और डरावनी होती हैं। चिंटू उन आंखों को एकदम करीब जाकर देखने लगता है तो उसे उनमें से आंसू आते दिखते हैं। चिंटू ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है। वो अपनी माँ को आवाज देने ही लगता है कि तभी हीटर से एक भूत बाहर आता है और वो खींचकर चिंटू को हीटर के अंदर डाल देता है। अब मैं आजाद हो गया। आखिरकार इतने सालों बाद मुझे आजादी मिल ही गई। अब मैं इस लड़के की जगह लेकर इसकी जिंदगी जीऊंगा और आजादी से रहूंगा। भूत चिंटू को हीटर में बंद करके उसकी जिंदगी जीने लगता है। उसका बर्ताव उसके माँ बाप को कुछ बदला बदला सा लगता है, पर फिर वो सोचते हैं कि शायद वो बीमार था इसलिए ऐसा कर रहा है। हीटर के अंदर चिंटू बंद चिल्लाता रहता है पर हीटर बंद होने की वजह से कोई उसको सुन नहीं पाता। अब जब रात होती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। अरे ये क्या, बिल्कुल ठंडा खाना, इसे गर्म क्यों नहीं किया? जी वो लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खा लेते हैं। सब खाना खाने लगते हैं पर जैसे ही चिंटू की शक्ल में वो भूत रोटी को हाथ लगाता है कि तभी रोटी से धुआं निकलने लगता है। महेश चिंटू के हाथ की रोटी को छूकर देखता है तो वो एकदम गर्म होती है। महेश को बड़ी हैरानी होती है कि ठंडी रोटी एकदम गर्म कैसे हो गई। और फिर जैसे ही चिंटू पानी का गिलास उठाता है तो वो भी उबलने लगता है। अब तो महेश और लक्ष्मी ये सब देखकर बड़े परेशान से हो जाते हैं और उनको चिंटू की फिक्र होने लगती है। रात को ठंड ज्यादा होती है इसलिए लक्ष्मी महेश को हीटर चालू करने को कहती है, पर चिंटू तभी गुस्से में मना कर देता है कि हीटर नहीं चलाना। अरे बेटा पर ये देख तो आज कितनी ठंड है। कहाँ है ठंड, इतनी तो गर्मी है, कोई ठंड नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ। गुस्से में लाल चिंटू ऐसा कहकर हीटर उठाता है और उसे घर के पीछे फेंक देता है। ये देख महेश उस पर गुस्से से चिल्लाता है पर चिंटू उससे भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लक्ष्मी दोनों को चुप होने को कहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चिंटू को हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। रात को जब चिंटू सो जाता है तो वो चिंटू पर नजर रख वो एक बार को चिंटू के कमरे में जाकर उसे जब देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बिस्तर पर चिंटू की जगह एक भयानक भूत सो रहा होता है।
एकदम आग की तरह तपता हुआ लाल भूत। महेश और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं और उसी वक्त कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे बेटे की जगह हमारे घर में किस भूत ने ले ली? हमारा बेटा कहाँ चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा, कल से ये अजीब बर्ताव कर रहा है और अब ये सब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि चिंटू कहाँ चला गया। हमें कुछ करना होगा जी, हमें चिंटू का पता लगाना होगा। हाँ, और चिंटू कहाँ है ये बात इसी को पता होगी, क्योंकि इसी ने उसे गायब करके उसकी जगह ली है। माँ, बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चिंटू खूब चिल्लाता है पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। महेश और लक्ष्मी यहाँ अलग परेशान हो रहे होते हैं और उस भूत पर पूरी नजर रखने लगते हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर सुबह वो भूत चिंटू का रूप लेकर घर में घूमने लगता है। लक्ष्मी की उसे देख हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके उसके साथ वैसा बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको स्कूल जाना है ना? मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, मैं आज पूरा दिन खेलूंगा, मजे करूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुमको स्कूल तो जाना चाहिए। चिंटू उसके बाद महेश और लक्ष्मी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। महेश और लक्ष्मी अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि इतने में वहाँ फिर से वो कबाड़ी वाला आ जाता है और आवाज देने लगता है। अरे ये तो वही कबाड़ी है जिसने मुझे वो हीटर दिया था। हीटर? हीटर से याद आया कि चिंटू ने उस दिन, मतलब उस भूत ने उस दिन उस हीटर को चलाने से मना क्यों किया और उसे बाहर भी फेंक दिया? आखिर उसे उस हीटर से क्या तकलीफ है? हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं अभी उस हीटर को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी जल्दी से उस हीटर को लेकर आती है और जब उसे चालू करती है तो अंदर से उसे चिंटू के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मैं अंदर हूँ, मुझे बचा लो, जल्दी से इस हीटर को बंद करो वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरा बच्चा इस हीटर के अंदर कैद है। जल्दी से लक्ष्मी हीटर के बटन को बंद करती है। उफ़ो, अब हम क्या करें, इस भूत ने हमारे बच्चे को बंद करके खुद उसकी जगह ले ली है। अब हम चिंटू को कैसे आजाद करें? ये तो हमें ये कबाड़ी से ही कुछ पता लग सकता है। दोनों जल्दी से उस कबाड़ी वाले के पास जाकर उससे पता करते हैं कि वो हीटर उसे किसने बेचा। कबाड़ी वाला उनको बताता है कि पास के घर में एक अकेला आदमी रहता है जिसने उसे ये हीटर बेचा। वो दोनों तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। हे भगवान, उस भूतिया हीटर ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। दरअसल वो हीटर मेरे किराएदार का था। एक दिन वो खूब दारू पीकर आया और हीटर चलाकर सोता रहा। हीटर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई और कमरा बिल्कुल बंद पड़ा रहा। हीटर के पास रुई की एक रजाई पड़ी थी और उसमें आग लग गई। पूरे कमरे में आग ही आग, और उसी में जलकर वो किराएदार मर गया। अब हमारा चिंटू उस हीटर में कैद है, हम उसे कैसे बचाएं? अब तुम हीटर को लेकर पीपल वाले बाबा के पास चले जाओ, वही कुछ करेंगे। लक्ष्मी और महेश तुरंत ऐसा ही करते हैं और वहाँ जाकर वो बाबा को सारी कहानी बताते हैं। एक काम करो बच्चा, ये लो भभूत, इसे उस हीटर के आगे रख देना और जैसे ही वो भूत घर में आए वैसे ही उस हीटर को चला देना। पर उसमें तो मेरा बच्चा है, वो जल जाएगा। नहीं जलेगा, ये भभूत उसे जलने नहीं देगी, बस उस भूत को कैद करने में मदद करेगी। तुम बस इस भभूत को वहाँ रखना और हीटर जलाकर दूर खड़े हो जाना। जैसे ही वो भूत गुस्से में उस हीटर के पास उसे फेंकने, तोड़ने या नष्ट करने के लिए जाएगा, तुम जल्दी से भभूत उसके मुंह पर उड़ाकर ये पड़ा हुआ पानी उसके पीछे फेंक कर मारना। बस फिर लक्ष्मी और महेश बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब भूत घर में आता है तो वो हीटर को देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी उसे चालू करती है तो वो गुस्से में भूत का रूप ही ले लेता है। भूत उस हीटर को तोड़ने को जैसे ही आगे बढ़ता है कि महेश हीटर के सामने रखी भभूत फूंक मारकर उसके मुंह पर उड़ा देता है और पीछे से लक्ष्मी उसके ऊपर वो पड़ा हुआ जादुई पानी फेंकती है। भूत बुरी तरह चिल्लाता हुआ हीटर में समा जाता है और चिंटू बाहर निकल आता है। उसके बाद वो उस हीटर को उठाकर एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। भूत अंदर ही चिल्लाता रह जाता है पर कभी उससे बाहर नहीं आ पाता।